जी जनाब, यकीन आपने स्टार्ट को एंजॉय किया होगा। जनाब आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। और जनाब पहले तो हम शुक्रिया अदा करें राहिल अजीज, हमें इस वक्त सुन रहे हैं कराची से। राहिल बहुत शुक्रिया आपका, और आपके कुछ अशार भी राहिल ने हमें भेजे हैं और हम चाहेंगे कि वो अशार भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और राहिल आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जो शायरी है वो ज़रूर हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ आज का जो प्रोग्राम है, हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ सायमा, पता है आपको? जी बिल्कुल, आज तो वाकई टाइम का हमें वाकई अंदाजा नहीं हुआ कि बहुत जल्दी गुजर गया। सही बात है, एक घंटा ऐसा लगा कि शायद एक घंटा जो है वो शायद मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 मिनट लगे हमें और पूरा घंटा पूरा हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे ये सॉन्ग कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत भीगी भीगी रातों में। वाह क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त सॉन्ग है। और तमाम सुनने वाले वो यकीनन इस वक्त रात के इस पहर में हमें सुन रहे होंगे और यकीनन उन्होंने इस ट्रैक को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो क्या आपके पास सब जी। और अशार है हमारे तमाम सुनने वालों के लिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे फैन हैं, उनकी तरफ से एक अशार आया है, सोचती हूँ कि इसमें मैं आपको सुना दूँ। जी जी सिर्फ आंखें देखकर कर दी मोहब्बत तुमसे, आहा सिर्फ आंखें देखकर कर ली मोहब्बत तुमसे, छोड़ दिया अपना नसीब को तेरे नकाब के पीछे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। जी और जी, इजहार कर देना ही मोहब्बत नहीं है मेरी जान। अरे वाह क्या बात है, इजहार कर देना मोहब्बत ही नहीं, इजहार कर देना ही मोहब्बत नहीं है मेरी जान। अच्छा, खामोशी भी एक अदा है मोहब्बत निभाने की। आ क्या बात है जी, क्या बात है, खामोशी भी एक अदा है मोहब्बत निभाने की। वाह वाह जी, वा, जी मजा ही आ गया, क्या बात क्यों, है। क्यों बार बार पूछते हो मोहब्बत की मंजिलें, क्यों बार बार पूछते हो मोहब्बत की मंजिलें, कहा ना आखिरी सांस तक तेरे हैं। आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जनाब। यकीनन आप ये शायरी सुन रहे होंगे और इस वक्त ये शायरी भी आपको कैसी लग रही है ये आप हमें मैसेज करके बता सकेंगे कि शायरी आपको कैसी लगी है। और इस शेर की बहुत सारे शेरों का बहुत सारा मकसद भी होता है सायमा, अगर देखा जाए जी जी शायर जो बात कर रहे जी होते हैं उनमें उनके अपने जज्बात, उनके अपने एहसास होते हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर अशआर में देखिए अपने जज्बात एहसास छुपे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समझने के ऊपर बात है। अगर आप उसे समझें, उसकी गहराई को समझें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर के कोई बोले कि पता नहीं क्या चीज है, आजकल तो आपको पता है कि लोग बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे चीजें यूनिक सी निकल आई हैं, तो ये चीजें बस कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन अगर अभी भी मोहब्बत जिंदा है और तो इसमें शायरी के साथ साथ लोग बहुत अच्छे यानी कि अपनी मोहब्बत को बरकरार रखे हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि दूसरे सॉन्ग की तरफ चलते हैं। और आप सुन रहे अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब भूली बिसरी यादें, आरजे मोहम्मद आसिफ और सायमा के साथ, आरजे सायमा के साथ। और यकीनन आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारे हमने ऐसे ट्रैक सुनवाए हैं जो शायद काफ़ी अरसे बाद आपने सुने होंगे, लेकिन ये वो ट्रैक हैं जो आज भी अगर आप सुने तो लगता है जैसे आप नए ट्रैक सुन रहे हैं। तो ये कहें इन ट्रैक्स के अंदर जो शायरी है या ट्रैक जो बनाए गए हैं या जो सॉन्ग्स बनाए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। सुनिए, इन्जॉय कीजिए, हमारे साथ रहिएगा। दीवाना मैं तेरी दीवानगी। वाह क्या बात है जनाब, यकीन आपने इस ट्रैक को इन्जॉय किया होगा। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब भूली बिसरी यादें, आरजे मोहम्मद आसिफ और सायमा, आरजे सायमा के साथ। जी सायमा, कैसा लगा ये सॉन्ग आपको, मजा आया?